Please subscribe to my channel. For more videos, click on the bell icon. Hello friends, आज हम लोग देखेंगे हॉट वर्क टूल स्टील जैसे कि H11 ग्रेड का कोई रैम है या कोई शाफ्ट है बड़ा, तो उसको रिपेयर करने की प्रोसीजर क्या होती है उसके बारे में ये आज का हमारा टॉपिक पे हम लोग देखेंगे। जैसे कि इन हाउस मेंटेनेंस में, जैसे कि हमारा प्रेस शॉप है, तो प्रेस शॉप में ये रैम जो है वो रैम की आगे की कैप है वो टूट गई है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कैसे उसमें क्रैक आया है, तो क्रैक को ज्वाइनिंग करने के लिए हम लोग आज ये प्रोसीजर देखेंगे H11, जैसे कि उसको हॉट वर्क टूल स्टील बोलते हैं। उसकी केमिस्ट्री अप्रोक्सीमेटली कार्बन उसमें 0.35 से 0.47 तक उसमें कार्बन रेंज रहती है। क्रोमियम रेंज लगभग 4.75 से 5 के आसपास रहती है। रिमेनिंग उसमें Fe, सिलिकॉन, फॉस्फोरस जैसे ट्रेसेबल एलिमेंट से ये ग्रेड बनती है। तो ये ग्रेड ज्यादातर यूज होती है जैसे कि एयरक्राफ्ट लैंडिंग गियर में, एक्सट्रूजन प्रेस में, जैसे कि हाईली ट्रेस जहाँ पे होता है, ये सब एप्लीकेशंस में H11 ग्रेड यूज होती है। तो H11 ग्रेड का ये शाफ्ट एक्सट्रूजन प्रेस में जब कब क्रैक होता है तो उसको रिपेयर करने की प्रोसीजर आज हम लोग देखें। जैसे कि फ्रेंड्स, अभी हम लोग ये एक्सट्रूजन प्रेस का रैम देख रहे हैं, एक छोटा सा रैम है, उसकी थिकनेस अप्रोक्सीमेटली 40 mm है। ये एक्सट्रूजन प्रेस आगे की कैप यहाँ पे टूट गई है, क्रैक हो गई है। तो क्रैक को रिपेयर करने की प्रोसीजर के बारे में आज हम लोग ये वीडियो में देखेंगे कि सबसे पहले ये रैम को बीवेरिंग करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली 60-70 डिग्री हम लोग गॉजिंग इलेक्ट्रोड सेनोर में SME I-001 गॉजिंग इलेक्ट्रोड से हम लोग पहले उसको गॉजिंग करेंगे। गॉजिंग करने के बाद में उसको परफेक्ट ग्रू मारने के बाद, टैकिंग करने में अच्छी तरह से क्लीन करके, ग्राइंडिंग करके हम लोग उसके ऊपर सेनोर में A06 इलेक्ट्रोड से ये इलेक्ट्रोड जो क्रैक है वो क्रैक ज्वाइनिंग के लिए हम लोग A06 यूज करके ये क्रैक रिपेयर करें। Thank you.